किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, आज है दिन रविवार 29 सितंबर 2019 और ये मैं अपने जो मेरा जैविक खेत है जिसमें मैंने 25 जून को पौधारोपण किया था, इसमें 240 पौधे लगाए थे मैंने, मैं वहां पर खड़ा हूं। ये देखिए, ये पौधा है, ये पौधा इलाहाबादी सफ़ेदा है और आज इसको 3 माह हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह हो गए। और मैंने आपको बताया था कि इसमें पहले क्या क्या काम करने हैं, वे सब हमने किए। देखिए यहाँ पे इसमें ध्यान देने वाली बात है, लोग बहुत, मैं देखता हूँ मेरे पास व्हाट्सएप पर पिक्चर भेजते हैं और सवाल पूछते रहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 2 शाखाएँ थी, ये देखिए यहाँ पर 2 शाखाएँ थी, एक मैंने काट दी थी और ये यहाँ से मुख्य शाखा 1 रखी, ये दूरी 2 फीट है यहाँ पर। ये देखिए, ये जो मैंने काट दी थी ये 2 फीट पर मैंने काट दी थी, लगभग 1 महीना पहले मैंने काटी थी, 2 महीने के बाद 1 महीना पहले काटी थी यहाँ से। और देखिए इसमें से 3 कितनी सुंदर शाखाएँ निकली हैं, ये 3 शाखाएँ निकली हैं, मेरे को मिली हैं, ये 3 शाखाएँ निकली है, 1, 2, 3। और देखिए अब ये लगभग 3 फुट का ऊँचा पेड़ हो गया। इसके बाद मैं अभी इसको 1 महीने के बाद और एक बार इनमें से फिर कटिंग करूंगा और ये बहुत अच्छी कैनोपी बनती चली जाएगी। किसान भाइयों, आज इस छोटे बाग में मैं आपसे 2 बातें, पहला तो ये है कि आजकल जैसे मुझे अपने ग्रुप से पता चल रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत बारिश हो रही है और हमारे यहाँ भी बहुत बारिश है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे गाँव के आसपास चारों तरफ बारिश है लेकिन पिछले 2 दिन से हमारे यहाँ बारिश नहीं है। देखिए आज भी धूप खिली हुई है, कल शाम को थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी फिर। और ये देखिए, ये जो मैंने अपना खेत है, ये देखिए कल इसमें ये ट्रैक्टर से इसको चलवाया। किसान भाइयों, 10x10 के जो पौधारोपण होता है, सबसे बढ़िया बात यह है आपको छोटा टिलर लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो है ना इस तरह से ट्रैक्टर से इसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं और बहुत कुछ काफ़ी खर्चा आप बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये दिखाऊंगा, अभी आप देखिए ये दूसरा पौधा, आपको ये ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि बाग में हर 3-4 दिन में आप एक बार, 3 दिन में एक बार जाइए, ये जो ये कल्ले नीचे से निकलते हैं इनको आपको हटाते रहना है। मैं बार बार बताता हूँ कि इन कल्लों से 90% एनर्जी पौधे के लिए ले लेते हैं। ये मेरी ग्राफ्टिंग थी, ये जुड़ चुकी है और ऊपर से देखिए इसमें मेरे को कितनी शाखाएं मिली, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शाखाएं मिली और ऊपर से ये मैंने काटा था, 2 ऊपर निकल गई हैं, तो कितनी खूबसूरत कैनोपी बनेगी इसकी अभी 1 महीने बाद। किसान भाइयों, ये मेरा पूरा खेत देखिए, इसमें जो है ये 3 महीने का है और कितना अच्छा चल रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपको नीचे के कल्ले बिल्कुल हटाने हैं। और जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसान भाइयों में लगी है, बहुत लोग देखते हैं खेत में साफ सफाई की व्यवस्था, आप देखिए मेरे खेत में कितना अच्छा है। और ये जो नीचे हैं, जैसे जैन साहब भी बार बार बताते हैं, मैं भी बार बार बताता हूँ कि 1.5 फीट तक आप इसमें कुछ भी चलने मत दीजिए, जो 1.5 फीट है कम से कम 1.5 फीट तक आप कोई भी शाखा नहीं चलनी चाहिए, 1.5 फीट के ऊपर हम रखेंगे जो भी रखें, तो ये ध्यान रखना। जितनी आप जो आवश्यक शाखाएं हैं उनको रखेंगे पौधा उतना ही बढ़िया चलेगा। इसमें साफ सफाई रखिए। एक मैं इस बाग में एक लाइन मैंने और लगाई हुई है एप्पल बेर की, आइए वो भी मैं आपको दिखा। किसान भाइयों, ये देखिए ये लाइन है एप्पल बेर की, यहाँ से ये देखिए पूरी लाइन है, एक लास्ट में एप्पल बेर की लाइन है। ये मैंने वही 10x12 फीट पे लगाई है, अमरूद से इसके बीच की 12 फीट की जगह छोड़ी है और ये देखिए लगभग ये इन अमरूदों से 1 माह बाद लगवाई, इनको 2 माह हुए हैं और देखिए कितनी बढ़िया चल रही है। अब मैं इनमें डंडी थोड़ी सी बंधवाऊंगा, कितनी बढ़िया वो हो रही है। इसके बाद में जो एक लाइन है
ये मैंने लगवाया है करौंदा, ये देखिए ये करौंदे का पेड़ है और अब इसमें फुटान शुरू हो गई है। ये करौंदा लगाया है मैंने इस लाइन में ताकि इससे कांटे हो जाएंगे और जो कुत्ते होते हैं वो नहीं आएंगे मेरी बाग। किसान भाइयों ये देखिए ये कल्ले कितनी तेजी से निकलते हैं, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना। देखो मैं लगभग तीसरे दिन इनको देखता रहता हूँ और जब भी आता हूँ कोई ना कोई मेरे को कल्ला मिलता है। इस पौधे में देखिए इसमें दो कल्ले निकले, ये आपको हटाते रहें, जितना इनको हटाएंगे उतने ही पौधे को एनर्जी ऊपर मिलेगी और उतना ही पौधा बढ़िया होगा। आइए बात करते हैं खाद। किसान भाइयों एक चीज और है जो मैंने अक्सर कमी पाई है, आइए आपको दिखाता हूं एक पौधे में। उधर आप इस चीज को ध्यान से देखिए, ये इसकी जड़ में मैंने ये थोड़ी ऊंची बना ली मिट्टी लगाई हुई है ताकि पौधे को पानी, पौधे का जो मेन तना है उसमें पानी ना आए, पौधे में पानी ना लगे, यहाँ पर तने पे पानी ना लगे, पानी इसके चारों तरफ रहे। और इसमें मैंने इसके बाद में यहाँ पर मैंने इसमें खाद डलवाया 2 किलो प्रोम, जो मैं बनाता हूँ रॉक फॉस्फेट मिलाकर जो केचुआ खाद बनाता हूँ वो मैंने 2-2 किलो डलवाया और उस खाद को मैंने ट्राइकोडर्मा से उपचारित करने के बाद डलवाया था यहाँ पर। इस बात को लगभग 15 दिन हो गए, अब पौधे अच्छी तरह चलेंगे और इनको अक्टूबर नवंबर में भरपूर भोजन मैंने दे दिया है और इनकी देखे ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। अब अगले सप्ताह में इसमें एक काम और करूंगा जो मैं बताता हूं। मैंने नीम की खली मंगाई हुई है और एक बोन मीट मील मंगाया गया है, तो नीम की खली का सिर्फ मैंने इसलिए नहीं दिया कि उसे मैं अपने सामने लगवाऊंगा, क्योंकि पता है मैं 30 सितंबर को रिटायर हो रहा हूं तो उसको मैं अपने सामने इसलिए लगवाऊंगा कि नीम की खली को रात को भिगोकर रखना पड़ता है। आप उसे रात को भिगोकर रखिए, इतना पानी डालिए कि ताकि वो थोड़ी घुल जाए, लेकिन बिल्कुल पाली नहीं होना चाहिए उसमें, थोड़ी ठोस अवस्था में रहे और वो बिल्कुल बारीक हो जाएगी। जब वो हो जाएगी तो उसमें बोन मीट मील या कोई भी केचुआ खाद या आप सिंपल वाले खाद में फिर उसको मिलाकर उसको अप्लाई करिए। अगर आपने जो नीम की खली है उसको अकेले ही डाल दिया तो वो क्या होती है कि जैसे ही पानी डालेंगे उसमें से लड्डू से बन जाएंगे और वो फिर उतनी इफेक्टिव नहीं रहती है। इसलिए जिन्होंने मुझे दिया था, मैंने ये अहमदाबाद से मंगाई थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि त्यागी जी आप इस तरह से करके देखिए और जब ये खाद में मिल जाएगी तो जैसे जैसे आप ड्रिप का पानी देंगे धीरे धीरे उसका असर जाएगा और जो वाइट ग्रब है और जो दीमक है इनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये था मेरा आज का प्रस्तुति, जो मैंने इस साल जिन्होंने पौधे लगाए हैं, जो जून के अंत में लगाए हैं या जुलाई में लगाए हैं या अगस्त में लगाए हैं, तो उनमें 2 महीने तक कुछ नहीं करना है, 2 महीने तक सिर्फ ये करना है उनमें। जब 1 महीना पौधे लगाए हो जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे से 2 शाखाएँ चल रही हैं सिर्फ 1 शाखा छोड़नी है 1 महीने के बाद। ये करिए 45 दिन से 60 दिन के बीच में आप उसकी पन्नी हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। 45 दिन पे शुरू करिए और देखते रहिए, जो अगर आपकी ग्राफ्टिंग जुड़ गई है तो पन्नी हटा दीजिए। 60 दिन में आपको उसकी पहली कटिंग करनी है, जो एक मुख्य शाखा छोड़ी है उसे 2 फीट से काट दीजिए। उसके बाद क्या होगी, पौधे में नीचे से फुटान होगी, लेकिन जब वो फुटान होगी ये भी ध्यान रखना है कि 1.5 फीट तक आपको कोई शाखा नहीं निकलने देनी। अगर 1.5 फीट से जमीन से 1.5 फीट तक कोई शाखा, ये देखिए अगर यहाँ पर ये यहाँ से लेकर 1.5 फीट तक कोई शाखा होती है तो उसको हटाते रहिए। ये देखिए ये मेरी 2 फीट पर चल रही है, ये मेरी कितनी शाखाएं हैं, इनमें से बाद में मैं चयन करूँगा, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। पौधे के तने के पास थोड़ी मिट्टी लगा दीजिए और जब पौधा 2 महीने का हो जाए, जब आप कटिंग करेंगे तो उसमें थोड़ी खाद लगा दीजिए। जैसे आप अब बिल्कुल राइट टाइम है, 15 सितंबर के बाद अगर आपके यहाँ ठीक ठाक मौसम है या सितंबर के एंड में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में,
इसमें खाद जरूर लगाइए और फिर ड्रिप से पानी दीजिए। जब आप देंगे तो अक्टूबर और नवंबर इतने अच्छे महीने होते हैं, पौधे में बहुत फुटाव होगा, भरपूर फसल मिलेगी, उसको भोजन मिलेगा और आपका पौधा बहुत अच्छा होगा। देखिए मेरे पौधों में कुछ नहीं है, इसमें मैंने खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाया और एक बार मैंने पहले जब जुताई से पहले खाद में मिलाकर मैंने मेटारिजियम एनासेपोली डाला, उससे क्या हुआ उसके बाद में जब वो बहुत गीला था खेत थोड़ा, तो उसे मिलाकर और फिर बारिश भी हो गई थी तो वो मल्टीप्लाई हुआ, उससे दीमक बहुत तरह की बीमारियां, व्हाइट ग्रब वगैरह किसी तरह की बीमारी नहीं आई। अब इसके बाद आपको सिर्फ एक काम करते रहना है पूरे अक्टूबर और नवंबर में, अभी कुछ नहीं करना है, कि नीचे आप पौधे की रेगुलर देखभाल कीजिए और नीचे ध्यान रखिए कि 1.5 फीट तक कोई भी शाखा न चले, और जो कल्ले हैं इनको जरूर हटाते रहिए, कल्ले मत छोड़िए, कल्ले बहुत एनर्जी, 90% एनर्जी अगर कल्ला कोई चल गया नीचे से, जो ग्राफ्टिंग के नीचे से निकलता है अगर वो चल गया, चूँकि वो बीजू पौधे का होता है तो वो बहुत ही सारी 90% जो ऊर्जा है, जो भोजन है, वो सब वो ले लेता है और मुख्य पौधे तक नहीं पहुंचता, वो बीमार हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये थी आपकी आज की प्रस्तुति, जो इस साल बाग लगाए हैं पहले 2 से 3 महीने में क्या क्या कार्य कर रहे हैं वो फिर मैंने सारे बता दिए हैं। आप भी ध्यान रखिए अपने पौधे का, ध्यान रखेंगे तो पौधे अच्छे होंगे, पौधे अच्छे होंगे तो आप खुश होंगे, और आप खुश होगा तो देश को भी खुशी होगी। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।